राजस्थान पेंशनर समाज अजमेर जिला इकाई की ओर से आज कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए पेंशनर्स समाज की विभिन्न मांगों पर बजट के दौरान कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का विरोध जताया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पेंशनर्स की मांगों को पूरा करने को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। अजमेर से समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी पेंशनर्स को आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों पर विचार विमर्श कर उन्हें राहत दी जाएगी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं दिया गया, जिसके चलते सभी पेंशनर समाज में निराशा का माहौल है। प्रदेश में 50 लाख से अधिक पेंशनर समाज के लोग मौजूद हैं, ऐसे में इन सभी पेंशनर्स को राहत दी जानी चाहिए। पेंशनर्स से मांग रखी कि 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन और 65 से 70 और 75 आयु पर 5 से 10-15% की अतिरिक्त बढ़ोतरी करने की मांग की गई थी। साथ ही अन्य राज्यों की भांति कम्युनिकेशन की अवधि 14 से घटाकर 12 वर्ष करने की मांग की गई थी। इसके अलावा RGHS सहित विभिन्न समस्याओं पर भी अपनी मांगे रखी गई थी। आज पेंशनर्स डिपार्टमेंट की तरफ से संपूर्ण राजस्थान के अंदर धरने और ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसके अंदर पेंशनर्स की जो भी मांगे हैं वो मांगे बिल्कुल जायज है। हम सरकार से किसी प्रकार की भीख नहीं मांग रहे हैं, चाहे कम्यूटेशन को लेकर है, क्योंकि जब कम्यूटेशन दिया जाता है तो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल फ्री है, परंतु यदि उसका कैलकुलेशन करें तो बहुत अधिक ब्याज हम लोगों पर पड़ता है। इसके अलावा ये जो अन्य मांगे जो हमारे ज्ञापन के अंदर दी गई है, ये मांगे 65, 70 और 75 की जो मांग है वो बिल्कुल जिनाइन मांग है। जिस समय कांग्रेस और ये BJP है, इनको अपने भत्ते बढ़ाने होते तो 1 मिनट लगाते हैं ये लोग, और पेंशनर्स है 60 साल तक हम सरकार की सेवा करते हैं, जो 5 साल करने वाला है वो तो ज़्यादा लाभ ले लेता है, और हम लोग जो 60 साल तक करते हैं तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ये डिमांड्स जो है हमारी बिल्कुल जायज़ है, और अशोक जी गहलोत को तुरंत हमारी मांगों को मान करके पेंशनर्स को राहत दी जानी चाहिए।